हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड एंड द मार्केट रेंज, और क्रूड ऑयल आज क्या होने वाला है और क्रूड ऑयल का पैटर्न क्या फॉर्मिंग कर रहा है, तो आज कहाँ पे ट्रेडिंग करना है और क्रूड ऑयल क्या लाइक मार्केट बिहेवियर क्या है उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम देख ले क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट, जो आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 5482 एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 5548, सेकंड रेजिस्टेंस 5642 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 5708, फर्स्ट सपोर्ट 5388 एंड सेकंड सपोर्ट 5322 एंड थर्ड सपोर्ट 5228। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल 4 आवर चार्ट, और मैंने पहले डेली चार्ट लास्ट टाइम पे मैं देख इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकता है क्रूड ऑयल आज गैप डाउन में ओपन हुआ है और नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो स्टोकेस्टिक भी कंफर्म कर रहा है कि नीचे आ रहा है मार्केट, और सीसीआई भी जीरो लेवल के आसपास आने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आज क्या होने वाला है उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये 4 आवर का चार्ट लिया क्रूड ऑयल का, क्योंकि क्रूड ऑयल रिसर्च करने से पहले कैसे रिसर्च किया जाता है उसका ऊपर मैं आपको दिखा दूं। पहले आप 4 आवर का चार्ट या 1 डे का चार्ट लीजिए, वहां पे जो हायर पॉइंट है जैसे यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली यहाँ तक मार्केट गया हुआ था और यहाँ पे दे दिया, पहले लोअर था तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 डे में निकाल लिया। तो 4 आवर में देखेंगे ऑलमोस्ट सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे एक लोअर पॉइंट को थोड़ा मैंने कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये नॉर्मली आज से ट्रेडिंग सेटअप है, तो जो ट्रेडिंग करना है हम यहाँ पे बाय और सेल करेंगे, ठीक है। तो आप जब मार्केट एंट्री करने के लिए लेता है तो पहले ऐसे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन निकाल लीजिए। तो एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे सीसीआई लिया हुआ है 20 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सीसीआई 34 उसका पीरियड है 34, आपका प्लेटफॉर्म में मिल सकता है आपको सीसीआई, उसका मतलब है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। पीरियड मैन्युअली 14 या कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसको आप चेंज करके 34 लीजिए। साथ में मैंने लिया, मेरा सेटअप के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिया मैंने स्टोकेस्टिक, राइट। यहाँ का पीरियड जो मैनुअल आता है 355, तो वही लिया मैंने। तो साथ में ये मैंने मूविंग एवरेज लिया 200, क्योंकि इसको ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए लिया मैंने कंफर्म करने के लिए। सेकंड 100 ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और 50 मूविंग एवरेज, ये तीनों मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है। तो उसका बाद मैंने लिया ये कैंडल स्टिक पैटर्न, इट इज ये हेकेनसी कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन के लिए लिया मैंने। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली आदमी लोग ट्रेडर्स लोग मेरे मुझे पूछता है क्या ये ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए वेरी सिंपल, तो आप नॉर्मली कोई इंडिकेटर बिना यूज करके आपको पता चलता है ये तो आप ट्रेंड में है, राइट। एग्जैक्टली आप ट्रेंड में कोई भी बोल सकता है ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये क्या है। तो ये हम देखेंगे तो लॉन्ग रेंज में ये तो अप ट्रेंड है, राइट, कंटिन्यूअसली ये अप ट्रेंड है, उसमें जानने का कोई बात ही नहीं। तो उसमें हमें अप ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाता है, तो इसलिए कभी कभी रिट्रेस होता है, ठीक है, या कंटिन्यूअसली डाउन नहीं जाता है तो रिट्रेसमेंट होता ही रहता है हर मार्केट में। तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे अभी मार्केट अप ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ये जो पैटर्न है इसको बोलता है ए बी सी डी पैटर्न, ओके, ए बी सी पैटर्न। तो जो रिट्रेसमेंट होता है अकॉर्डिंग टू इलियट वेव, तो इतना डिटेल्स हमें जाना नहीं चाहिए, अभी मैं आपको दिखाऊं। तो अभी क्योंकि मार्केट रिट्रेस हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये जो सपोर्टिंग रेंज निकाल लिया, तो मार्केट कहाँ तक तो रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने रिट्रेसमेंट लिया, तो पीरियड आ गया 5307, सेकेंड सपोर्टिंग लेवल मुझे आया एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पे लोअर पॉइंट को स्विंग लगा दिया, और यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी इसका आसपास में ही है, तो ये
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है कितने में, 5198 में। तो अगर आपको फिबोनाची देख के इसको कंफर्म करना है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंज पहले सपोर्टिंग मिला, तो इससे पहले जो एक्सटेंशन था फिबोनाची का 1323.6% ऑलरेडी ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट इसका रेंज कहाँ पे आएंगे हमारा 138.2, तो ऑलमोस्ट 5307 का रेंज में हमें एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट नीचे आया तो एक वेव मिला और नेक्स्ट उसका रिट्रेसमेंट किया अराउंड 61% पे रिट्रेसमेंट किया, वहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4th टाइम उसको तोड़ने का कोशिश किया तो तोड़ नहीं पाया, तो मार्केट फिर से नीचे आ गया। राइट, तो नीचे आ रहा है एग्जैक्टली हमको भी पता है ट्रेंड अप है, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दे रहा है तो कहाँ तक देना है, तो इसलिए हमें कंफर्म कर लिया 5307 पे। राइट, तो अभी देखना है हमें एक रेंज, तो अभी रेंज में क्या है, तो रेंज निकालेंगे तो हमने लोअर लो को, ये लोअर लो को कनेक्ट कर दिया, लोअर है इसको लोअर, लोअर हाई लोअर पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो एक जस्ट अ मिनट, तो मैंने ऊपर का, ठीक है तो ऊपर का नहीं देना चाहिए तो मैंने इधर ही दे दिया, तो ये मुझे एक रेजिस्टेंस कहाँ पे, जहाँ पे फिबोनाची भी दिखा रहा था हमें और पहले हायर पॉइंट ये था, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो सेल अगर ले लिया हमने तो यहाँ पे हमें निकल जाना ही चाहिए। राइट, तो ठीक है हमें रेंज भी निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट जो रेंज था, जो यहाँ पे एक रेंज था मुझे, मैंने बताया आपको रेंज, तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था कहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था शायद कल। राइट, तो कल ब्रेकआउट किया तो कंफर्म किया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकअप किया तो मेजर जो सपोर्टिंग ट्रेंड है उसका पास आने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में, जैसे 30 मिनट में, तो आप देख सकते हैं 30 मिनट में ही है तो यहाँ तक आने का कोशिश कर रहा है, तो 30 मिनट में और एक रेंज हमें कंफर्म करने के लिए पहले जो हायर पॉइंट था उसको कनेक्ट कर दिया, अभी जो लोअर पॉइंट है क्या है, लोअर पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ था, इसको भी तोड़ के तोड़ दिया। राइट, नॉर्मली यहाँ से तो मार्केट बाउंस बैक होना चाहिए था, लेकिन आज ओपनिंग ही हुआ गैप डाउन में, तो इसका नीचे में ही ओपन हुआ, तो ये नीचे आने का कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी ट्रेड आपको कहाँ लेना है, ओके तो ट्रेड लेने के लिए आप पहले 5 मिनट में जाइए, तो आप देख सकते हैं ये मैंने 5 मिनट का लिया, पहले जो सपोर्टिंग लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो अभी कहाँ पे आने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे मुझे फर्स्ट सपोर्टिंग रेंज मिला यहाँ पे। राइट, तो प्रॉब्लम ये है अभी आपको एंट्री करना है क्या नहीं है, अभी आप देख सकते हैं 10:15 हुआ है, 15 मिनट हुआ है मार्केट ओपन हुआ होने के लिए, तो यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो आप दिक्कत हो सकता है, तो क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ से एक करेक्शन दे के पुल अप हो सकता है, ऊपर जा सकता है अराउंड 4 5 4 2 8 तक। ठीक है, तो इसलिए आप ना यहाँ पे वेट कीजिए यहाँ तक ना यहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया थोड़ा ऊपर, जैसे 5 4 2 पे गया, तो ये भी सीसीआई भी ऊपर चला जाएगा, स्टॉकस्टिक भी ऊपर जाएगा, तो बाद में सीसीआई फिर से एक रिवर्स होने के लिए लिएगा लेगा जीरो लेवल क्रॉस करने के लिए, जैसे यहाँ पे आके फिर से जीरो लेवल क्रॉस करने के लिए लेगा, तो आप उस समय आप सेल में जा सकता है, तो अगर इस एरिया में शायद मुझे लगता है सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो यहाँ से आपको 80-90 पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ से अगर बाय कॉन्फर्म देगा फिर से एक रिट्रेसमेंट देने के लिए कोशिश करेंगे, जैसे मैंने एक लाइन ड्रो कर देंगे तो अच्छा रहेंगे, तो लोअर पॉइंट को मैंने कनेक्ट करके एक रेंज बना दिया, तो मार्केट थोड़ा यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंफर्म करेंगे सेल करने के लिए तो आप सेल में जाइए, तो यहाँ पे अगर बाय का सिग्नल दिया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में ही है अभी भी, तो अगर बाय का सिग्नल देगा तो भी थोड़ा मार्केट क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में
अभी जो शॉर्ट स्मॉल टाइम फ्रेम, तो उसमें आप डाउन ट्रेंड में आप बाय नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट किया जैसे 5428, उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर कंफर्म करेंगे तो बाय में जा सकता है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।